तो इस वीडियो में अपन सीखेंगे कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो। और इस तरह के क्वेश्चन कई बार नेट के एग्ज़ाम में, जेम के एग्ज़ाम में और कई और एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो और इस पैटर्न से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हमारे पास नेट के एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए देखते क्या क्वेश्चन है। अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन को नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। मतलब कितने y की कितनी वैल्यूज़ होगी, y इक्वल टू कितने अपने पास फंक्शंस होंगे जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहले अपन देख सकते हैं कि जब y ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट इज़ y अपने पास एक कांस्टेंट फंक्शन है और वो ज़ीरो है, मतलब उसकी कांस्टेंट वैल्यू ज़ीरो आ रही, तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। वो कैसे करता है आप देख सकते हैं कि जब y इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब मेरे पास केवल d बाई डी एक्स इक्वल टू आल्सो ज़ीरो। अब d बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ y आल्सो ज़ीरो एंड मॉडुलस ऑफ d बाई डी एक्स आल्सो ज़ीरो। और इस केस में अगर मैं इस इन दोनों के वैल्यू इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ तो 0 + 0 दैट इज़ 0 सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब y इक्वल टू ज़ीरो जो कॉन्स्टेंट इसका सॉल्यूशन है, जिसको अपन ट्रिवियल भी बोल सकते हैं, इसका एक सॉल्यूशन है। और अगर कांस्टेंट सॉल्यूशन मेरे पास एक ही है, अगर मैं इसको अदर देन ज़ीरो कंसीडर करूं कि y इक्वल टू जे समय मैं कंसीडर करता हूं कि y इक्वल टू a इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नहीं है। तो y इक्वल टू ज़ीरो इसका मतलब d बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, ज़ीरो। और इसको मैं अगर इक्वेशन के अंदर पुट करूँ तो d बाई डी एक्स का मॉडुलस d बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ d बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो प्लस y की वैल्यू a इक्वल टू ज़ीरो। तो ये तभी पॉसिबल है जब a इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू ज़ीरो दैट इज़ a इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब जो सॉल्यूशन मैंने कंसिडर किया था कि y कोई अदर कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन, तो y इक्वल टू a की वैल्यू मेरे पास ज़ीरो आती है, मतलब y इक्वल टू a इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ द सेम ट्रिवियल सॉल्यूशन वी गेट हियर आल्सो। सो ओनली ये कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन होता है उसके पास एक यूनिक, अगर मैं कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन की बात करूँ अभी तक जो मैंने देखा है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है ट्रिवियल सॉल्यूशन y इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं आगे इसके नॉन कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, सपोज़ कोई नॉन कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले नॉन कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, और ये नॉन कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब जो फंक्शन मेरे पास डिफाइन है, इसका जो एक किसी सेट से सपोज ए से बी में डिफाइन है, तो इसका मतलब बी में सिर्फ ही एक वैल्यू गेन करता है। दैट इज़ अगर इसकी रेंज ऑफ एफ मेरे पास सिर्फ एक सिंगलटन सेट है तो मैं उसको कॉन्स्टेंट बोलता हूँ, सिंगलटन सेट कोई भी है। और इसमें अदर देन कॉन्स्टेंट रेंज सेट में कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ है कुछ भी, तो मैं बोलता हूँ कि नॉन कॉन्स्टेंट। इसका मतलब यहाँ पर रेंज सेट में इसके पास दो या दो से ज़्यादा वैल्यू होती है तो वो नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है। और मैं यही बात कर रहा हूँ कि क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नॉन कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं। तो सपोज नॉन कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन, तो मैं नॉन कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन इसका मतलब y की यहाँ से दो या दो से ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल होगी, तो दो या दो से ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल होगी तो मैं ज़ीरो के अदर देन वैल्यू कोई भी कंसिडर कर सकता हूँ। सपोज़ यहाँ पर कोई a विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो पॉसिबल है, मतलब कोई भी आप कंसीडर कर सकते हैं। हो सकता है इसके रेंज सेट में सिर्फ दो ही वैल्यू आ रही है, ज़ीरो और कोई और आ रही है, तो ज़ीरो को मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, बाकी को कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर देखूँगा तो d बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें से मैं अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पिक करता हूँ तो वो y की जगह पुट करूँगा, तो दिस वुड बी स्ट्रेक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो सिंस आई हैव नॉट चूजन द ज़ीरो वैल्यू एंड d बाई डी एक्स, तो अपने पास ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसकी वैल्यू सिंस मॉडुलस लगा हुआ है तो हो सकता है कि ज़ीरो, या लेकिन ज़ीरो से बड़ा ही होगा या ज़ीरो हो सकता है। तो ये टोटल जो वैल्यू इस साइड की जो वैल्यू बन रही है वो ज़ीरो से बड़ी आ रही है, ज़ीरो से बड़ी, क्योंकि ये जो फैक्टर है इसमें जो वाई इक्वल टू ज़ीरो है उसके अदर देन जो वैल्यू चूज़ करी वो ग्रेटर देन ज़ीरो में चूज़ करता हूँ, तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ऑलरेडी है, और ये ग्रेटर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब जो इधर वाला जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मेरे पास ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और इस साइड मेरे पास ज़ीरो है। इसका मतलब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, तो अपने पास तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या आ रहा है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, और राइट हैंड साइड जो इक्वेशन का है वो इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ऐसा कोई सोल्यूशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास अब मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का d बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो का
एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दैट इज इसका यूनिक सॉल्यूशन है, और वो वाई इक्वल टू जीरो, दैट इज इसका यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब मैं थोड़ा सा लिटिल कॉम्प्लिकेटेड होता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ और वो इक्वेशन बना लेता हूँ कि सपोज अपन को सॉल्यूशन फाइंड करना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस सम ए इक्वल टू जीरो, वेर ए इज सम फिक्स्ड रियल नंबर, दिस इज फिक्स्ड। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन को नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपन को फाइंड करना है, तो अपन ए की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं। सपोज केस फर्स्ट में, मैं कंसिडर कर रहा हूँ ए इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो, देन दिस क्वेश्चन टर्न आउट इन द प्रीवियस क्वेश्चन, दैट इज अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी अपने पास यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था, यूनिक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है वाई इक्वल टू जीरो, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करता इफ ए इक्वल टू जीरो। इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सेकेंड, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, दैट इज डी बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो, सिंस ये ग्रेटर देन जीरो और ये तो मॉडुलस फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी ही होगी, और ये भी एक मॉडुलस फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू भी जीरो या जीरो से बड़ी ही होगी। इसका मतलब ये जो टोटल जो लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, ये दोनों जीरो से बड़े या जीरो के इक्वल हो सकते हैं, और लेकिन ये तो स्ट्रिक्टली जीरो से बड़ा है। इसका मतलब इस पूरे जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, और इस साइड तो मेरे पास ये जीरो आ रहा है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल नहीं हो सकती। इसका मतलब ये कहता है कि अगर आपके पास ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो देर इज नो सॉल्यूशन, मतलब ऐसा वाई एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जिसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। और केस थर्ड में अपन बात करें, अगर ए लेस देन जीरो, दैट इज ए नेगेटिव हो, केस थर्ड में अगर अपने पास ए लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो, तो इस केस में क्या हो सकता है अपने पास, आपके पास अगर ए लेस देन जीरो तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसमें से चूज करता हूँ कि मेरे पास ए इक्वल टू सपोज माइनस वन है, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू मेरे पास माइनस वन है, सिंस आई हैव टेकन द केस ए लेस देन जीरो, सो ए इक्वल टू मैंने माइनस वन कंसिडर किया है, तो मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस में टर्न आउट हो जाती है, वो मेरे पास टर्न आउट हो जाती है डी बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो वाई इक्वल टू, अगर सम कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन है, y इक्वल टू वन, मैं जनरली कंसिडर करता हूँ कि y की अगर मॉडुलस y की वैल्यू मेरे पास 1 है, मॉडुलस y की वैल्यू मेरे पास अगर 1 है, तो d बाई डी एक्स, तो इस केस के अंदर y की क्या पॉसिबिलिटी है, y आइदर 1 होगा और y आइदर माइनस 1 होगा, और y इक्वल टू 1 है तो d बाई डी एक्स इस केस में भी 0 आ रहा है, d बाई डी एक्स मेरे पास जो बनेगा वो आएगा 0, और इस केस के अंदर भी मेरे पास जो d बाई डी एक्स बनेगा वो आएगा 0। और इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं पुट करता हूँ तो डी बाई डी एक्स का मॉडुलस जीरो का मॉडुलस जीरो, और वाई की जो वैल्यूज़ है वो प्लस वन और माइनस वन है, तो उसका मॉडुलस भी मेरे पास क्या होगा, वन होगा एंड माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब वाई की वैल्यू, अगर मैंने ए की वैल्यू मैंने माइनस वन चूज़ करी, तो इसके दो सॉल्यूशन आए, क्या है, एक तो वाई इक्वल टू वन कॉन्स्टेंट फंक्शन, और वाई इक्वल टू माइनस वन मेरे पास सॉल्यूशन आए। इसका मतलब अगर यहीं पर अब मैं माइनस वन चेंज नहीं करता और यहाँ पे सिर्फ ए रहता, तो उस केस में मेरे पास दो सॉल्यूशन पॉसिबल थे, दोनों कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन थे वाई इक्वल टू ए और दूसरा था वाई इक्वल टू माइनस ए, ये दो सॉल्यूशन मेरे पास है इस केस के अंदर, थर्ड केस के अंदर। वो कौन से सॉल्यूशन है, कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन, ये मेरे पास कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन है, और इस केस में मेरे पास कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन मेरे पास टू है। अभी मैंने नॉन कॉन्स्टेंट के बारे में बात करूँ, तो नॉन कॉन्स्टेंट में क्या होंगे कि सपोज कोई नॉन कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता है, नॉन कॉन्स्टेंट, इसी केस के अंदर अपन बात कर रहे हैं जो नेगेटिव है, अपने पास ए नेगेटिव है, नॉन कॉन्स्टेंट इसका मतलब क्या हुआ
ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो। अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू तो मेरे पास कॉन्स्टेंट है, और y क्योंकि अपन बात कर रहे हैं कि नॉन कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन अगर है तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो उसके बारे में बात करें, तो इसका मतलब ये तो हुआ नॉन कॉन्स्टेंट, नॉन कॉन्स्टेंट। और d बाई डी एक्स अपने पास दो पॉसिबिलिटी, एक कॉन्स्टेंट भी हो सकता है नॉन कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, तो मैं फर्स्ट केस कंसिडर करूँगा कि ये कॉन्स्टेंट है, और दूसरे केस में मैं कंसिडर करूँगा कि ये नॉन कॉन्स्टेंट है। देखो y मैंने नॉन कॉन्स्टेंट कंसिडर किया तो मेरे पास ए तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट, और d बाई डी एक्स मैं फर्स्ट केस में कंसिडर कर रहा हूँ कि ये कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉन्स्टेंट, ये वाला भी कॉन्स्टेंट, ये वाला नॉन कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला कॉन्स्टेंट, ये वाला कॉन्स्टेंट, ये वाला कॉन्स्टेंट, सिर्फ ये आपके पास चेंज हो रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब वाई को ही कॉन्स्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपने पास सपोज वाई किस नॉन कॉन्स्टेंट, इसका मतलब वाई की दो वैल्यू तो अपने पास पॉसिबल है, सपोज वन पॉसिबल है और दूसरी वैल्यू टू पॉसिबल है, ऐसा कंसिडर करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो सपोज वन के लिए अगर ये सेटिस्फाई करा नॉन कॉन्स्टेंट, तो वन है तो वन के लिए सेटिस्फाई करा, सिंस अदर 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 फैक्टर तो अपने पास कॉन्स्टेंट है, और अदर फैक्टर फैक्टर कॉन्स्टेंट है, तो अपने पास अगर अगर मैं वन सेटिस्फाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब टू सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, तो अपने पास वाई नॉन कॉन्स्टेंट ऐसा पॉसिबल ही नहीं जिसमें ये कॉन्स्टेंट हो और ये भी कॉन्स्टेंट हो, तो इसका मतलब नॉन कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन इस केस में पॉसिबल नहीं है। अगर मैं डी बाई डी एक्स को नॉन कॉन्स्टेंट कंसिडर करूँ, डी बाई डी एक्स में सपोज कंसिडर करता हूँ कि ये नॉन कॉन्स्टेंट है, तो मेरे पास तीनों टर्म क्या हो जाएगी, नॉन कॉन्स्टेंट, वाई ऑलरेडी अपने पास नॉन कॉन्स्टेंट है, और प्लस ए इक्वल टू जीरो ये वाली, तो ये अपने पास दोनों नॉन कॉन्स्टेंट है और ए इक्वल टू जीरो, ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा, तो ऐसा अपने पास ये एक टोटल फंक्शन मेरे पास बनेगा। अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है कि ये नॉन कॉन्स्टेंट और नॉन कॉन्स्टेंट मिलके दोनों नॉन कॉन्स्टेंट रहेंगे, दोनों नॉन कॉन्स्टेंट रहेंगे, और दोनों नॉन कॉन्स्टेंट रहेंगे तो इसका मतलब हुआ कि अगर उसमें आप ए ऐड करते हो, आप ए ऐड करते हो, नॉन कॉन्स्टेंट ये रहा और नॉन कॉन्स्टेंट के साथ आप ए ऐड करोगे, तो इसका मतलब इस पूरे, अगर इस पूरे को एक फंक्शन कंसिडर करो तो इस नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन जो कि मेरा पूरा एक फंक्शन है, इसकी दो से ज़्यादा वैल्यू होगी, तो अगर ये एक वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा तो दूसरी वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इसका मतलब इसका नॉन कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास आई है, तो इस केस के अंदर अपने पास नॉन कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन, नो नॉन कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन आएगा, नो नॉन कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन। ओके, सो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, डी बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो के सॉल्यूशन मेरे पास आए, एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन वाई इक्वल टू जीरो इन केस इफ ए इक्वल टू जीरो, और दूसरे केस में मेरे पास सॉल्यूशन आया वाई इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू माइनस ए इफ ए इज लेस देन जीरो। ये मेरे पास थ्री सॉल्यूशन है, अगर ए इक्वल टू जीरो तो ये सॉल्यूशन है, ए लेस देन इक्वल टू जीरो है तो ये सॉल्यूशन है।